राजधानी राजधानी ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मालेगाव तालुक्यातील अजंग गावी 108 अतिरुद्र महायज्ञ चा कार्यक्रम संपन्न होत आहे. या दरम्यान विविध धार्मिक कार्यक्रम या ठिकाणी पार पडत आहेत. त्याच पद्धतीने शिव पुराण कथा देखील या ठिकाणी श्रवण करण्यासाठी लाखो भाविक रोज या ठिकाणी येत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवरती विविध संत महंत गुरुजन ब्राह्मण या ठिकाणी भेट देऊन आशीर्वाद देत आहेत. त्याच पद्धतीने आज जर बघितलं तर जगद्गुरु रामानंदाचार्य यांनी या ठिकाणी भेट दिली आणि सर्व भक्तांना आशीर्वाद दिला. त्याच पद्धतीने शिवाजी डोळे यांनी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाची त्यांनी दखल घेत प्रशंसा केली आहे. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी असलेल्या गोशाळेला त्यांनी भेट दिली. त्याच पद्धतीने त्या ठिकाणी विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सुरू असलेली समाजसेवा, त्याच पद्धतीने जय जवान जय किसानचा नारा या संदर्भात समजून घेत त्यांनी या ठिकाणी शिवाजी डोळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आशीर्वाद देखील दिले आहेत. बघूयात. कृषि उपनिषद में एक शब्द आया है, धन्य कृषि मेधा. कृषि मेधा का मतलब होता है कृषि माने खेती और मेधा माने बुद्धि. आज शिवाजी डोड़े के माध्यम से तो इन्होंने साकार इस श्लोक को किया है. जैसे धन्य कृषि मेधा, कृषि माने खेती और मेधा माने बुद्धि, इसका सही रूप से आज हम इस फॉर्म में आने के बाद में सभ्यता एवं संस्कृति से भी जोड़ा गया है. और वर्तमान में हमारे देश में जो कृषि को निकृष्ट समझने लग गए हैं, कृषि मतलब कि जीवन में इसका कोई मूल्य मोल्य नहीं है, लेकिन एक भारत के बॉर्डर पर डटने वाला एक सर्वसामान्य किसान का बेटा शिवाजी डोड़े, जिनके माध्यम से अनेक युवकों को, युवान शक्ति को एक प्रेरणा है. और जैसा मैंने पूर्वदे कहा था कि धन्य कृषि मेधा, ये मेधा की एक सफल किसान खेती है जिससे आज हमारी विमान शक्ति उससे प्रेरणा ले. खेती को केवल मात्र अन्न उगाने का जरिया ना समझे, क्योंकि हमारे भारत की आत्मा चार चीजों से जानी जाती है, ऋषि, कृषि और श्रमिक, और चौथी है संस्कृति. और आज ऋषि भी इस देश में है और कृषि भी है और श्रमिक भी है. अब बोलेंगे श्रमिक कैसे, पूर्वत समय में हमारे विदेशों में गए हुए अनेक भारतीय हैं. अब उस समय में अंग्रेजों ने भी उनको और अनेक लोगों ने उनको लेके गए, आज सफल बनकर विदेशों में नागरिक बने हैं. तो हमारे सभ्यता एवं संस्कृति का परिश्रम कर रहे वो भी श्रमिक है. तो आज शिवाजी डोले ने अनेक विमान शक्ति को एक मार्गदर्शक किया है, जिससे विमान शक्ति, तरुणाई शक्ति ऊर्जावान बने और किसानी को, कृषि को अपना जीवन जीने का एक माध्यम मार्ग समझे. मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद्रबुद्धि स्तंभ माने हमें मुक्ति चाहिए, अज्ञान से मुक्ति चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति चाहिए. सामाजिक स्तंभ हमें असामाजिकता से मुक्ति चाहिए, सामाजिकता की प्राप्ति चाहिए. सामाजिक स्तंभ हमें असामाजिकता से मुक्ति चाहिए, सामाजिकता की प्राप्ति चाहिए. यांत्रिक स्तंभ कलाहीनता से मुक्ति चाहिए और कौशल की प्राप्ति चाहिए. आज शिवाजी डोले ने जो किया है वो कौशल किया है. फिर मेरा औद्योगिक स्तंभ है, हमें भाग्य से मुक्ति चाहिए, उद्योग की प्राप्ति चाहिए. शिवाजी डोले ने दोनों में, जो हमेशा अपने वक्तव्यों में कहता हूँ, तो अगर भारत में इस तरह के व्यक्तित्व अगर निकल के आए तो समृद्ध महाराष्ट्र, समृद्ध संस्कृति और समृद्ध समाज बनाने के लिए ये आज वेंकटेश फॉर्म के द्वारा समाज. आपका नाम? मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य, राम राजेश्वराचार्य, मावली सरकार,
कुंडन्नेपुर, इसी विदर्भ क्षेत्र से और महाराष्ट्र से।